काम नहीं कर रहा। विजल आप विजिस कर रहे शिकायत नवभारत टाइम्स कॉम मार्च 13, 2019 नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ईसी ने अपने वोटरों को सशक्त करने के लिए एक सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए वोटर अपने क्षेत्र में हो रहे आचार संहिता के उल्लंघन की फोटो या वीडियो आयोग को भेज सकते हैं। हालांकि यूजर्स का कहना है कि आचार संहिता लागू हो जाने के 2 दिन बाद भी यह ऐप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। यूजर्स की शिकायत है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से वे अभी भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि इसे लॉन्च करने से पहले चुनाव आयोग को इस तकनीकी खामी को एक बार चेक करना चाहिए था। वहीं चुनाव आयोग के प्रमुख ऑफिसर का कहना है कि फिलहाल यह टेस्टिंग प्रोसेस में है, जल्द ही यह पूरी तरह से काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा सी विजिल ऐप? यूजर्स को आप भी इस ऑनलाइन सी विजिल एक आसान सा एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है और यूजर्स इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल तस्वीर क्लिक करनी होगी या फिर वीडियो बनाना होगा, साथ ही उल्लंघन के बारे में संक्षेप में जानकारी देकर अगले स्टेप में इसे आयोग के पास अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया आसान है और इसमें यूजर की पहचान भी जाहिर नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम मौके पर फ्लाइंग स्क्वाड भेजकर मामले की जानकारी कॉन्फर्म करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले इसकी लॉन्चिंग के वक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने इस ऐप के बारे में कहा। सी विजिल ऐप की मदद से नागरिक अपने मोबाइल पर किसी भी तरह की गड़बड़ रिकॉर्ड कर आयोग में रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह के आचार संहिता उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए शिकायतकर्ता को किसी भी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा और लिखित शिकायत करने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप का मकसद मतदाता को और ताकत देना है। अरोड़ा ने कहा, अथॉरिटीज और संबंधित अधिकारी शिकायत के 100 मिनट के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मतदाताओं को अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को पहचानने में दिक्कत न हो, इसके लिए बैलेट पेपर पर उनका फोटो प्रिंट किया जाएगा और इसे ईवीएम पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी मदद से किसी भ्रामक स्थिति में मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की तस्वीर देखकर सही वोट डाल सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों से उनकी तस्वीर भी मांगी गई है। बता दें, देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे।